एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है, थोड़ा अलग है। और अभी तक आपका कोई बैकलॉग है तो प्लीज ये चैप्टर स्टार्ट ना करें, दो गुनी गति से बैकलॉग क्लियर करें। लिख देता हूं पहले पेज पे, अगर बैकलॉग है, बैकलॉग है तो दो गुना गुना स्पीड से उसको कवर करें। कवर योर बैकलॉग फर्स्ट, देन कम हेयर, समझ गए? कोई फायदा नहीं है। इस तरीके से क्या होगा कि हर जब नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो बहुत सारा एक गधों का हुजूम भाग के आता है, कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर? नो, यू आर नॉट अलाउड टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, गो बैकवर्ड एंड कवर योर बैकलॉग वेरी फास्ट। निकलो नहीं तो लात मार के निकाल दूंगा। तीन लेक्चर बैकलॉग, दो गुनी गति से जाओ और पढ़ो वहां पे, है ना? लात मार के निकाल दूंगा, नहीं तो भाग जा, कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई तुम अपने आप को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हो, पढ़ाई सेलेक्ट होने के लिए कर रहे हो। सेलेक्ट होने के लिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है? और दूसरी बात, देखो बेटा, टीचर से बदतमीजी नहीं, और टीचर को सजेस्ट मत करो, और मैं तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारी सुनूंगा भी नहीं। सर आप ऐसे कर लीजिए ना, आज आज आप थोड़ा कम पढ़ाइए सर, आप दो घंटा का लेक्चर लीजिए। तू ले लेगा? तू लेके दिखा दे, तू लेक्चर ले ले, तुम्हें लेना है? नहीं ना, कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं डिसाइड करूंगा ना कि मुझे कितने घंटे का लेक्चर लेना है। मेरे अलावा ना, ना तुम्हें, ना किसी एक्स वाई जेड को, ना किसी टी वाई टी को, किसी को हक नहीं है कि वो डिसाइड करे कि मैं कितने घंटे पढ़ाऊंगा। किसी को भी नहीं है, समझ गया? खून खोलता है मेरा जब मुझे कोई बताया ना सर आप यहां पे इतने घंटे पढ़ा, तू डिसाइड करेगा? सर निकल यहां से, तू तो थोड़ा कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं यहां पे खड़े होकर कितने घंटे पढ़ाऊंगा। मेरी मर्जी में 10 मिनट पढ़ाऊंगा, मेरी मर्जी में 10 घंटे पढ़ाऊंगा। ना तो तुम्हारी औकात है, ना किसी और की औकात है कि मुझे ये बता दे कि मुझे कितने घंटे पढ़ाना है, समझ गया? और तू होता कौन है रे ये डिसाइड करने वाला कितना पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? पढ़ना है तो चुपचाप यहां पे बैठ के जितना पढ़ा रहा हूं वो पर, वो मैं डिसाइड करूंगा, कोई और नहीं। कोई नहीं डिसाइड कर सकता, वो मैं डिसाइड करूंगा। सिर्फ मेरी मर्जी में पढ़ाऊंगा, मेरी मर्जी में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 10 घंटे पढ़ाऊंगा, मैं 4 घंटे पढ़ाऊंगा। तेरी औकात है तो पढ़, नहीं तो निकल। 50 ऑप्शन और है जहां पढ़ना है तो जा, निकल ले वहां से जाके पढ़। कोई नहीं डिसाइड कर सकता, बदतमीजी मत कर, नहीं है, समझ गया? वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही डिसाइड कर सकता हूं कब पढ़ाना है, कितने बजे से पढ़ाना है, कितने घंटे पढ़ाना है। कोई नहीं डिसाइड कर सकता, नहीं, नो मीन्स नो, समझ गया? और मुझे पता है कितना घंटा पढ़ना चाहिए, तो मुझे तो बता मत, ठीक है ना? मुझे तो बता मत। दूसरी बात, ऐसा तो नहीं हो रहा कि पूरे सेशन में 2 घंटे 3 घंटे क्लास चल रही है, एक दिन ऊपर नीचे होता है। तीसरी बात देख, पढ़ाई ना इच्छा से नहीं होती। बहुत लोगों का मन होगा डॉक्टर बनने का, तुम्हारी इच्छा होगी डॉक्टर बनने की, तुम्हारी क्या होगी, इच्छा होगी डॉक्टर बनने की, तुम्हारा पैशन होगा डॉक्टर बनने का। तो जब आदमी की इच्छा होती है ना तो कभी उस काम को करता है, कभी उस काम को नहीं करता। मान ले तेरा डिजायर है कि तू डॉक्टर बने, अब उस डॉक्टर बनने से बड़ा डिजायर भी तो कुछ हो सकता है। उस समय क्या होगा, उस समय वो तुम्हें ज्यादा जरूरी लगेगा, इसको तुम छोड़ दोगे, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन। तो तुम इसको अपनी इच्छा मत बनाओ, ये तुम्हारा डिजायर नहीं है, तुम इसकी नशा करो। तुम्हारा नशा होना चाहिए मुझे डॉक्टर बनना ही है चाहे किसी भी कीमत पे, और रीजन फाइंड आउट करो क्यों बनना है। उसके बाद पढ़ाई ये स्कूल वाली नहीं है, ये कॉम्पिटिशन वाली पढ़ाई है। बहुत आराम से सिस्टमेटिक तरीके से बैठ के और मतलब डेली रूटीन, जैसे आप पिछले 12 साल से, आप क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक 12 साल तक जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो उस तरीके से पढ़ाई करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा, लिख के रख लो। बोर्ड में 99% लोग पास करते हैं, 1% लोग फेल करते हैं। यहां पे एक्जैक्टली उल्टा काम है, सिर्फ 1% पास करते हैं और 99% फेल करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है जिस तरीके से 12 साल तक आप स्कूल में पढ़ाई करते आ रहे थे वैसे नहीं पढ़ना, तो कैसे पढ़ना है? एकदम क्रांतिकारी तरीके से पढ़ना है, एकदम पागलों की तरह पढ़ना है, एकदम नशे में पागल जैसा घूमता है ना उस तरीके से पढ़ना है। तुम्हारे दिमाग में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा कुछ आना ही नहीं चाहिए, ऐसे पढ़ना है। 24 घंटे में से तुम 18 घंटे लगे रहो, 18 घंटे पढ़ने का यह मतलब नहीं कि 18 घंटे सिटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, 18 घंटे पढ़ने का मतलब 18 घंटे तक तुम्हारे दिमाग में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी घूमते रहना चाहिए। और मैं तुम्हें 1000 बार बता चुका हूं, सिलेक्शन सिर्फ बच्चे का होता है, टीचर का नहीं होता। जिसको सेलेक्ट होना है ना वो ऐसे भी सेलेक्ट हो जाएगा, जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो कहीं से पढ़ के सेलेक्ट हो जाएगा, वो कहीं से अपना काम पूरा कर लेगा, क्योंकि वो पागलों की तरह पढ़ता है। उसको 1 घंटा पढ़ाऊंगा वो जाके 4 घंटा पढ़ेगा एक्स्ट्रा, मैं 2 घंटा पढ़ाऊंगा फिर भी वो 6 घंटा पढ़ेगा जाके, मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगा वो 40 क्वेश्चन खुद से जाके करेगा। भाई समस्या तो तुम्हारे साथ है, तुम एवरेज बच्चों के साथ है, तुम्हारा पिछवाड़ा नहीं टिकता है एक जगह पे बैठ के। तो तुम्हें अपने एक्सट्रीम कैपेसिटी, अपनी जो क्षमता है ना, उस लिमिट है ना, उसको पुश करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और ह्यूमन की कैपेबिलिटी पे कभी भी कोई लिमिटेशंस नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको करने के लिए खुद में आग लगाना पड़ेगा। ऐसे मत पढ़ो कि तुम्हारी इच्छा पढ़ने की नहीं, ऐसे पढ़ो कि पढ़ाई मतलब नीट तुम्हारा नशा है, इस तरीके से पढ़ाई करो, समझ गए? और कोई ये सब स्ट्रैटेजी कुछ काम नहीं आता भाई, 50 मिनट पढ़ो, ह्यूमन माइंड कहता है कि 50 मिनट कंसंट्रेट होता है। तुम्हारा माइंड ह्यूमन नहीं, तुम जानवरों के माइंड से पढ़ो, कौन बोला कि तुम ह्यूमन हो? खाली तुम जानवर हो, जानवर की तरह, कुत्ते की तरह पढ़ाई करो एकदम। कुत्ते को जब भूख लगा होता है कहीं आधी रोटी दिख जाता है ना, कितना जान लगा के भागता है, उस तरीके से पढ़ाई करो। सवाल देते ही चीज दो, साले किताब फाड़ दो एकदम,
धुआं धुआं कर दो, ऐसे पढ़ो। ह्यूमन माइंड क्या रिसर्च कहता है, ये सब जब ये सब स्कूल वाली पढ़ाई के लिए सही है। ह्यूमन माइंड का रिसर्च कहता है 50 मिनट कंसंट्रेट रहता है, उसके बाद नहीं रहता। वो सब फालतूपना है, सब फालतूपना है, कुछ नहीं होता उससे। ह्यूमन माइंड का रिसर्च कहता है 50 मिनट पढ़िए, फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 50 मिनट पढ़िए, फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। हालांकि जब आदमी पागल होता ना किसी चीज के पीछे, कोई रिसर्च काम नहीं आता, कोई कैलकुलेशन, कोई ग्राफ और कोई स्टैटिस्टिक काम नहीं आता, तो वो पागलपन चाहिए, वो नशा चाहिए। 50 मिनट रिसर्च करता है, आधे घंटे पढ़ने के बाद नमक में पानी मिलाकर नींबू, 2 मिनट, दो बूंद नींबू और 4 चम्मच हनी मिला के पिए, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, डैश फर्क नहीं पड़ता इससे। एकदम एकदम खूनी तरीके से पढ़ो, खूनी तरीके से, समझ गया। भुला दो दुनिया को, भुला दो दुनिया को, ना दुनिया में तुम्हारा कोई माँ बाप है, ना तुम्हारी कोई भाई बहन है, ना तुम्हारे कोई दोस्त है, ना तुम्हारा कुछ और है। एक साल के लिए एकदम चीर फाड़ कर दो एकदम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, और ये मत सोचो कि तुम डॉक्टर बनोगे क्या बनोगे, एकदम पागल की तरह पढ़ो। एक साल सब्जेक्ट उसी को, एक साल संघर्ष करो, तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, ये मैं लिख के देता हूँ, लिख के देता हूँ मैं। नहीं हुए तो मेरे पास आ जाना, 50,000 की नौकरी मैं स्टार्टिंग करा दूंगा। भाई डॉक्टर बनके भी ना 50,000 से स्टार्टिंग नहीं होती, 5 साल बाद, 7 साल लगते हैं। मैं तुम्हें 1 साल बाद 50,000 की नौकरी दूंगा, मैं दूंगा। लेकिन वो पागलपन तुम्हारे अंदर होना चाहिए, कर ले एक बार, उस लिमिट पर जाके अपने आप से मेहनत कर ले। मुझे जरूरत तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं कहता हूँ ना, मैं दूंगा 50,000 की नौकरी, उस लेवल पर जाके पढ़ाई करके आ जाए एक बार। बहुत काम है, आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ये वैसे नहीं, बदतमीजी करो पढ़ाई के साथ। चलो ऐसे भरोसा ना, भी कोई सुनेगी ये पढ़ता, ऐसे पढ़ता भरोसा ही ना हो। इतना पढ़ाओ, इतने सवाल करो, इतने सवाल कराओ, इतने पढ़ाओ कि कोई दूसरा टीचर देखे तो भरोसा नहीं कि पागल आदमी है क्या, इतना थोड़ी कोई पढ़ाता है, इतने सवाल कोई थोड़ी ना कराता। ऐसे पढ़ाओ, और तुम ऐसे पढ़ो कि साला ऐसा कोई बच्चा पढ़ ना सके, तभी तो हमारी और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। 50% बच्चों की फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करती। साला पढ़ाता है कि पढ़ाई के साथ बदतमीजी करता है, ये कोई तरीका है? हाँ यही तरीका है, यही तरीका झंडा गाड़ने का। इतिहास पागल लोग ही बनाते हैं, सेंसिबल लोग और समझदार लोग बस उसके लिए ताली बजाते हैं। तो तुमको ताली बजाना है कि चीर फाड़ के रख देना, ये बताओ। आओ शुरू करते हैं, चलिए। और बाकी चिंता छोड़ दे, रिवीजन कैसे होगा कब, मुझे पता है कि मैंने 3 घंटे पढ़ाया है, तुम्हारी दिमाग है उतना नहीं झेल पाएगा, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की, अपने लिमिट को पुश किया। आज देख, मैं पहले से सोचा होगा मुझे क्या करना है, मैं पूरा रिवाइज कराऊंगा लास्ट लेक्चर का। पेन खराब हो गया, मैं पूरा रिवाइज कराऊंगा लास्ट लेक्चर का, हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट मैं तुम्हें रिवाइज करा दूंगा। कोई बात नहीं, एक आध दो पॉइंट ज्यादा पढ़ने की वजह से छूट गया होगा, हम दोबारा समझ लेंगे क्या जाता है इसमें, क्या जाता है इसमें। गलती से ये मत सोचने लगे मैं सिलेबस खत्म करना है, मैं इतना पढ़ाता हूँ। कई बच्चे के मन में कंफ्यूजन हो जाता है, सिलेबस वाले 24 घंटा पढ़ा के मैं खत्म कर सकता हूँ और नीट में 90% सवाल वहां से आते हैं, जाके पढ़ ले। लेकिन तू 24 घंटे पढ़ के सीख नहीं पाएगा ना, और कंटेंट इतना है ना इसमें, इतना है ना इसमें कि साला पूरा सिलेबस पढ़ा दूं मैं, एक टॉपिक ना छूटे, एक बार खड़ा होऊंगा तो। ये कॉन्फिडेंस है नहीं, किया है, दो दो साल किया है, उसकी चिंता मत कर, उसकी चिंता मत कर, सिलेबस खत्म कराना हो ना। हाँ वो तो मैं 12 घंटे में